हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुभश्री फ्रॉम ओडिशा। मेरा आज डिश है मूंग दाल डोसा। इसके लिए मैं ली हूँ ग्रीन मूंग, राइस फ्लोर, सॉल्ट, कोरिएंडर, बटर, हींग, हल्दी पाउडर, चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, क्यूमिन सीड, चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, पनीर और ये ओनियन, जिंजर एंड ग्रीन चिली। ये ग्रीन मूंग को मैंने 6 से 7 आवर्स तक सोक कर दिया था। अभी मैं इसका एक ब्लेंड करूंगी। अच्छे से मैंने इसे वॉश कर दिया है। इसमें मैं ग्रीन चिली और जिंजर, जो मैंगो का जो जिंजर है, इसका मैं एक पेस्ट बना दूंगी। इसका ये बैटर मैंने बना दिया पेस्ट। इसमें मैंने हींग, जीरा, चिल्ली, ग्रीन चिल्ली और राइस फ्लोर, कोरिएंडर का लीफ और लास्ट में सॉल्ट। इसका एक मिक्सचर बना देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी पाउडर, ये मिक्स कर रहे हैं। अभी ये तावा लगा देंगे। ये मेरा मूंग दाल चिल्ला बन रहे हैं। ये मैंने ली है ग्रीन मूंग। जो स्प्राउट्स होता है ना, उसका ही स्ट्रक्चर।
बटर को अप्लाई करूंगी। ये बहुत ही हेल्दी स्नैक है और झटपट भी हो जाता है। ये ओनली टोस्ट करना होता है आपको। इस बैटर में मैंने हल्दी पाउडर, चॉप चिल्ली, जो कोरिएंडर लीव, जीरा सीड्स, हींग, ये सब मिक्स किया है। सॉल्ट, इसी में अभी मैं चिल्ली पाउडर, इसी में रखो कटी हुई प्याज, पनीर को ग्रेटेड करते हैं। बटन थोड़ा थोड़ा दे देंगे। इस बैटर में और थोड़ा सा पानी में दे रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी स्नैक है, पनीर डालने से ही बच्चे खाते हैं। बटर से करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, सॉल्टी बटर है इसलिए।
डालूंगी इसमें चिल्ली पाउडर, ओनियन, ग्रेटेड पनीर, मी आता नाही ते उपजत आहे. ये मेरा मूंग दाल डोसा रेडी हो गया है. इसे मैं ग्रेटेड पनीर से डेकोरेट कर रही हूँ. इसे हम ग्रीन चटनी या ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी है. मेरा प्रिपेयर हो गया हेल्दी स्नैक्स मूंग दाल डोसा. इसे आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी है. ग्रीन चटनी या टमाटो सॉस या इसे भी खा सकते हैं. पनीर पड़ने से बच्चे खाते हैं ज्यादातर. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी. मेरा रेसिपी हो गया है.